गाइस वेलकम बैक। इससे पहले वीडियो में आपको हमने पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी और हाइपरबोल के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम आपको ऑक्सीमोरोन और ओनोमेटोपोया फिगर ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑक्सीमोरोन मींस विरोधाभास अलंकार। डेफिनेशन, एन ऑक्सीमोरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। अर्थात विरोधाभास अलंकार में दो विपरीत विचारों को एक ही साथ रखा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फेयर इज फूल एंड फूल इज फेयर। अर्थात जो सुंदर है वही गलत है, जो गलत है वही सुंदर है। सुंदर और फूल, अच्छा और बुरा एक साथ ही इसमें बताए गए हैं। और स्टूडेंट्स, ये नॉलेज के लिए बता दें कि ये मैकबेथ, जो विलियम शेक्सपियर का ट्रेजिक प्ले है, उससे लिया गया है। नंबर सेकंड, लव इज बीटर स्वीट मीन्स प्यार एक कड़वी मिठास है। मीन्स कड़वी और मीठी, बिटर और स्वीट एक साथ शो किए गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। हैविंग नथिंग, कुछ ना होकर भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। ये कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम है, उससे लिया गया है। इसमें कुछ नहीं और सब कुछ दोनों को एक साथ दिखाया गया है। इसी तरह और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, या मोहन इज रेगुलरली भी है और इरेगुलर भी है, नियमित भी है और अनियमित भी है। इस तरह से आप इसे अच्छे से माइंड कर सकते हो। इसमें दो अपोजिट चीज़ों को एक ही लाइन में, एक ही वाक्य में दिखाया जाएगा। बात करते हैं लास्ट फिगर ऑफ स्पीच नंबर 7, जिसका नाम है ओनोमेटोपोया। इट मीन्स ध्वनि सूचक अलंकार। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन इज दैट इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ ए वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। अर्थात इस फिगर ऑफ स्पीच में आवाज से किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का अर्थ प्रकट किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ग्रंट ग्रंट गोज द होग। ग्रंट ग्रंट होता है घूर घूर करके, गोज जाता है होग सुअर। अर्थात सुअर जो है घूर घूर करके जाता है। सुअर की पहचान हमने किससे की? ग्रंट ग्रंट से, घूर घूर से। अदर एग्जाम्पल देखते हैं। द डोर ओपनेड विद ए बैंग। डोर दरवाज़ा, एक बैंग, दरवाज़ा खुलने की जो आवाज़ होती है उसे बैंग कहते हैं। दरवाज़ा बैंग की आवाज़ से खुला, तो दरवाजे को किससे पहचाना? आवाज़ से। लाइक दैट अदर एग्जाम्पल देखते हैं। द एसीज ब्रे, अर्थात गधे रेंकते हैं, रेंकने से गधे की पहचान हो जाती है। अदर एग्जाम्पल, द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। इस तरह से आप इस फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से माइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच थे, जिन्हें आपको बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश की गई है, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से माइंड हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी आपने इस APS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको नई नई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन देते रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंकिंग फॉर वॉचिंग।